न्यूज़लैंड के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगड़ा। नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलवामा आतंकी हमले में एनआईए को बड़ी कामयाबी, आदिल अहमद डार का मददगार हुआ गिरफ्तार। घाटी पर लगे आतंकवाद के बदनुमा दांव को जल्द हटाने की कोशिश, नशा तस्करी भी रोकेंगे दिलबाग सिंह। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जारी की नई परीक्षा तिथि। और दिल्ली हिंसा का डरावना सच, पत्थरबाजी में 22 लोगों की मौत और 13 लोग गोली के हुए शिकार। अब समाचार विस्तार से। पुलवामा आतंकी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने शुक्रवार को इस मामले में एक आरोपी शाकिर बशीर को गिरफ्तार किया है। शाकिर जैश ए मोहम्मद का एक OGW है। एनआईए का कहना है कि शाकिर ने ही आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार को अपने यहाँ पनाह दी थी और हमले के लिए जरूरी मदद पहुंचाई थी। एनआईए ने बताया कि आरोपी शाकिर से पूछताछ में खुलासा किया है कि वे अपने उस साल 2018 में अंत से फरवरी 2019 तक अपने घर में आदिल अहमद डार और पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद उमर फारूक को शरण दी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेश ने कहा कि राज्य में नशे की खपत और नशा तस्करी में हो रही बढ़ोतरी समाज के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर पुलिस सख्ती से इससे निपटने के प्रयास कर रही है। पुलिस की ये कोशिश है कि घाटी पर लगे आतंकवाद के बदनुमा दाग को जल्द हटा दिया जाए ताकि लोग अमन शांति की जिंदगी फिर से जी सके। दिलबाग सिंह ने कहा कि नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए युवाओं की काउंसलिंग की जा रही है। श्रीनगर और जम्मू में दो बड़े केंद्र हैं जहां रोजाना अच्छे डॉक्टर काउंसलर उपलब्ध रहते हैं। दिलबाग सिंह ने कहा कि जो नशे की लत युवाओं में डाल रहे हैं उस चेन को भी वह जल्द पूरी तरह से तोड़ेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जम्मू संभाग की 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के संबंध में नई तिथि जारी की है। हायर सेकेंडरी पार्ट ए के सभी रेगुलर अभ्यर्थी 6 के OSI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वार्षिक परीक्षा 2020 की डेटशीट देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा नई परीक्षा तिथि के अनुसार जम्मू संभाग के 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं 20 मार्च 2020 से शुरू होगी। पिछले दिनों नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा के मारे गए लोगों में 22 लोगों की मौत पत्थरबाजी की वजह से हुई है। दिल्ली पुलिस ने हिंसा में मारे गए लोगों में से 35 के मरने के कारणों की पहचान कर ली है, जिसमें 22 की मौत पथराव या हमले की वजह से हुई है जबकि 13 मौत गोली लगने की वजह से हुई है। पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा में 35 लोगों के मारे जाने के कारणों का खुलासा किया है, उनकी मौत की वजह भी बताई है। 35 में से 22 की मौत पथराव या उन पर हुए शारीरिक हमले से हुई है जबकि 13 की मौत बंदूक की गोली लगने से हुई है। जम्मू एंड कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन की तरफ से जम्मू में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की एंटी वर्किंग क्लास पॉलिसीज व ट्रेड यूनियंस को पेश आने वाली चुनौतियों को लेकर विचार विमर्श किया गया और इनकी चुनौतियों का किस तरह से सामना करना है उसका भी हल किया गया। सेमिनार में कर्मचारी नेता बाबा हुसैन मलिक, सुनील सुदन व अन्य कई नेता भी शामिल थे। अपनी मांगों को लेकर जेएंड के सेंट्रल नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्यों ने जम्मू में यूटी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि उन्हें पक्का किया जाए व अन्य मांगों को भी पूरा किया जाए। इन लोगों का कहना था कि यूटी बनने के बाद उन्हें उम्मीद जागी थी कि अब सरकार ने उनकी सुनवाई होगी, लेकिन उसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में कल्चर अकेडमी की तरफ से अभिनव थिएटर जम्मू में आज 2 दिवसीय पंजाबी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उपराज्यपाल के सलाहकार के शर्मा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, जिसके बाद सिख विद्वानों ने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर उनके आदर्शों पर रोशनी डाली। Shri K.K. Sharma sir, retired IAS officer, advisor to Lieutenant Governor, Jammu and Kashmir. Professor Jagdeep Singh, former HOD, Punjabi Department, Delhi University of Delhi. क्राइम ब्रांच की तरफ से गुलशन ग्राउंड जम्मू में इन्वेस्टिगेशन ऑफ NDPC एंड रेप पॉस्को केसेस एंड CCTNS विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें DGP दिलबाग सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कार्यशाला का उद्घाटन किया। क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे। कार्यशाला में इन्वेस्टिगेशन की तकनीकी के बारे में जानकारी दी गई। IG जम्मू इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन quality investigation. I've seen certain improvements taking place in certain areas. I'm sure these three areas also will be taken up by him
with same kind of zeal and dedication, and he would certainly be able to organize every district in such a way that when the crime reviews are taken, I would suggest that the crime reviews must start with these cases first. These are some of the most important cases which we need to very, very effectively deal with, because they are the ones which directly affect the health of our society. And these are the cases, if not handled well today, the results are going to be disastrous tomorrow. So therefore, we need to be very careful about the investigation of these cases. Thank you very much to all the officers for the participation, and thanks once again to the crime branch headed by कन्वेंशन सेंट्रल केनाल रोड जम्मू में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए एक अदालत लगाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने पेंशनरों के लिए सेंटर की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम को लॉन्च किया और पेंशनरों को पेंशन सिस्टम के बारे में जानकारी दी। बेल्ट फोर्स सेना के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। जीएमसी के ऑडिटोरियम में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपराज्यपाल के सलाहकार के शर्मा मुख्य अतिथि थे, जबकि कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अतुल डुल्लू गेस्ट ऑफ ऑनर थे। समारोह के दौरान एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थियों के डिग्रीज देकर सम्मानित किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज के धर व स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे। समारोह के दौरान एमबीबीएस टॉपर्स आरती आनंद को 2 गोल्ड मेडल दिए गए और उनकी हौसला अफजाई की गई। किरण आनंद पुलवामा आतंकी हमले में एनआईए को बड़ी कामयाबी, आदिल अहमद डार का मददगार हुआ गिरफ्तार। घाटी पर लगे आतंकवाद के बदनुमा दांव को जल्द हटाने की कोशिश, नशा तस्करी भी रोकेंगे दिलबाग से। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जारी की नई परीक्षा तिथि और दिल्ली हिंसा का डरावना सच, पत्थरबाजी में 22 लोगों की मौत और 13 लोग गोली के हुए शिकार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना है। मुझे मीडियम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।